A very good morning, student. Student, today we are going to start एंट्रोपी चेंजेस ड्यूरिंग फेस ट्रांसफॉर्मेशन. कल हमने एंट्रोपी का टॉपिक किया था, उसमें से हमारा जो है एंट्रोपी चेंजेस ड्यूरिंग द फेस ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, इसको हम कंप्लीट करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट, हम यहां पर टॉपिक है हमारा क्या है, एंट्रोपी चेंजेस ड्यूरिंग फेस ट्रांसफॉर्मेशन. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन. किसके बारे में? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन के बारे में बात करेंगे. तो स्टूडेंट, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? सबको पता है फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब एक सब्सटेंस जो है वो मेल्ट करना शुरू कर देता है. क्या कर देता है? मेल्ट करना शुरू कर देता है. तो उस टाइम पर जो उसकी एंट्रोपी में चेंज होगा, उसे हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कहते हैं. तो स्टूडेंट, यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन. इट इज द चेंज, इट इज द चेंज इन एंट्रोपी. इट इज द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन वन मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इंटू लिक्विड फॉर्म एट द मेल्टिंग पॉइंट. एट द मेल्टिंग पॉइंट उसे हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी ऑफ द फ्यूजन कहते हैं. मतलब कि स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि जब एक सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो उस टाइम पर जो उसकी एंट्रोपी में चेंज होगा, उसे हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कहते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये क्या है कि कल मैंने आपको बताया था कि जो एंट्रोपी होती है सॉलिड में सबसे कम होती है, लिक्विड में थोड़ी सी ज्यादा होती है और गैसेस में उससे ज्यादा होती है. तो यहां पर जो है अब जो एंट्रोपी चेंज होगा, यानी कि डेल्टा, आप इसको डिनोट करेंगे डेल्टा फ्यूजन एस, इसे डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा फ्यूजन एच अपॉन में टी. क्योंकि क्यू को हम जो है क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच भी राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एच हमारे पास क्या है? चेंज इन एंथैल्पी है. तो यानी कि डेल्टा फ्यूजन एस इज इक्वल टू डेल्टा फ्यूजन एच अपॉन में टी. तो यहां पर जो है आपके पास डेल्टा फ्यूजन, वो क्या है? एंथैल्पी किसका है? ये जो है चेंज इन एंट्रोपी फ्यूजन, और यहां पर ये क्या है? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मोल, और ये क्या है? जो टेम्परेचर है टीएम, यू कैन राइट हेयर, यानी कि आप इसको मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं. तो आप यहां पर लिख लें डेल्टा फ्यूजन एच दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल. उसके बाद स्टूडेंट, टीएम हमारे पास क्या है? मेल्टिंग टेम्परेचर. क्या है? मेल्टिंग टेम्परेचर है, यानी कि जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में जो है चेंज होना शुरू करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग टेम्परेचर. ठीक है स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एंट्रोपी का सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास था एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन. आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा. अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे. यहां पर सेकेंड पार्ट स्टूडेंट हमारे पास है एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन. सेकेंड पार्ट क्या है? एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन. तो हम यहां सेकेंड पार्ट करेंगे एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन. अब स्टूडेंट, वेपोराइजेशन से क्या मीनिंग क्लियर होता है? वेपराइजेशन का मतलब क्या है कि लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? वेपर में चेंज हो जाएगा. जब लिक्विड वेपर में चेंज होगा, तो उसमें जो एंट्रोपी चेंज होगा, दैट इज नोन एज एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन. तो लिखिए, it is the entropy change when one mole of a liquid changes into vapor boiling point. क्योंकि अब ये बॉयल करना शुरू किया है,
तो इसके बॉइलिंग पॉइंट पर जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट एग्जाम यहां पर इसको डिनोट किससे करेंगे, डेल्टा वेपराइजेशन एस, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वेपराइजेशन एच अपॉन में टी। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, टेम्परेचर टी बी यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर। तो यहां पर जो ये आपके पास हुआ डेल्टा वेपराइजेशन जो एच है वो किसके इक्वल है, किस क्या लिखेंगे हम इसको, जो आप एंथैल्पी में चेंज हुआ है, जो एंथैल्पी चेंज ठीक है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, टी क्या होगा बॉइलिंग टेम्परेचर, टी क्या होगा यहां पे टीबी, दैट इज बॉइलिंग टेम्परेचर, हम इसको लिखेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर। क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट, सबको समझ में आया। सेकेंड पॉइंट हमने क्लियर किया कि जो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या है, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन जो है उसको हम क्या कहेंगे कि इट इज द एंट्रोपी चेंज, जब एक मोल ऑफ जो है लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में इट्स बॉइलिंग पॉइंट पर, उसे हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। सबको समझ में आ गया आई थिंक सो। उसके बाद देखिए इसको डेल्टा जो है हमारे पास वेपराइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर, और टीबी क्या है बॉइलिंग टेम्परेचर।